शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश वाटिका में 20 फरवरी को शादी समारोह में सोने चांदी से भरे बैग को चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरी किए गए आभूषणों को बरामद किया है। वहीं चोर पुलिस को चकमा देकर हवचक्कर हो गए, जिसको गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस कर रही। बताया जा रहा है कि दिनारा के गणेश वाटिका में 20 फरवरी को झांसी से बारात आई थी, जिसमें दुल्हन को चढ़ावे में 20 लाख रुपए के आभूषण आए थे, जो एक बैग में रखे थे। तभी चोरों ने गहने से भरे हुए बैग को चोरी कर रफूचक्कर हो गए। चोरी की ये सारी वारदात गणेश वाटिका में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने उन चोरों की पहचान राजगढ़ जिले में रहने वालों के रूप में की है। इन चोरों की तलाश के दौरान पुलिस चोरों तक पहुंची, जिसमें पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गए। पुलिस ने चोरी किए गए आभूषणों को बरामद कर लिया है। अभी पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। इन चोरी की वारदात में 4 बदमाशों में शामिल होने की बात कह रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। 22 मई को एक घटना हुई थी, इसमें शादी के कार्यक्रम स्थल से एक पूरा बैग जिसमें सोने के जेवरात थे और चांदी के जेवरात थे, वो चुरा लिए गए थे। इसे पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था और इसमें लगातार वहाँ पे जो वीडियो फुटेज थे वो सारे सब देखे गए। तो उसमें जो आरोपियों की शिनाख्त हुई तो पता चला कि राजगढ़ के सांसी लोग हैं, तो उनको उनके लिए एक स्पेशल टीम एडिशनल्स की प्रवीण मौर्या और जी डी शर्मा एसडीओपी ने बनाई थी, जिसमें नितिन भार्गव, छोटी प्रभारी हिम्मतपुर और थाना प्रभारी दिनारा संतोष भार्गव, उनके साथ संजय भगत, ये लोग वहाँ पर पहुँचे और लगातार इन लोगों को ढूंढते रहे। इसमें इनके पास में जानकारी मिली कि ये लोग घर में है जहाँ पे बंटवारा करने का बात प्लानिंग चल रही है। इसको दबिश दी थी और दबिश देने में करीबन हमको 20 लाख के आसपास का जो सोने चांदी का जेवरात तो सामान मिला है पैसों के साथ में मिला के, और एक पूरा का पूरा सामान जो गया था सारा का सारा रिकवर हो गया है। दो आरोपी जो वहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं वो वहाँ से भाग गए थे जैसे पुलिस को देखा उन्होंने, लेकिन एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें इतना सारा सामान जो कीमत का सामान था पूरा ओरिजिनल हालत में मिला है। इसमें हमारे थाना प्रभारी दिनारा संतोष भार्गव, उनकी टीम तथा सुप्री प्रभारी हिम्मतपुर और नितिन भार्गव और एसआई संजय भगत, संजय वगैरह का बड़ा अच्छा इसमें रोल रहा है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस पूरी टीम को नगद इनको 10,000 रुपये का इनाम इस सफलता के लिए दिया जाएगा। सर, इसमें नाबालिग उसमें से आइडेंटिफाई हुए हैं तो उन्हीं के साथियों का पता लगा है कि साथ में ये लोग हैं, तो वो अभी उसमें 4 लोग हैं कुल मिला के, तो अब उनको दिखने में भी अलग अलग लगते हैं क्योंकि कैमरे में इतना एग्जैक्ट पता नहीं लगता है, तो अभी हम नाबालिग नहीं कह सकते उनको। जब पकड़े जाएंगे तो फिर हम उसको वेरीफाई करके सर सुबह जो मर्डर हुआ इसके अलावा आज सुबह थाना देहात में दुदावली में एक लाश मिली थी, जिसमें एक रामकिशन शाह कोहली जो है 30 साल के करीब इनकी उम्र का, इसकी लाश मिली थी, इसका गला कटा हुआ था। इसके भाई ने फोन करके बताया था कि इसकी लाश पड़ी हुई है, किसी ने मार दिया है। पुलिस मौके पे गई, इसमें हमारे एसडीओपी जो है अजय भार्गव शिवपुरी वाले और टीआई विकास यादव और उनकी पूरी टीम ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल को देखा। वहाँ पर ये पाया गया कि घटनास्थल जो है वो बनाया गया है जहाँ पे उसकी बॉडी को लेके पटका गया है, और उसको पूरा देखते हुए जब वापस ट्रेस किया गया तो उसके घर के अंदर ही खून का सामान मिला, घर के बरामदे में ही। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसका पिता, ये जब पूरा घटनाक्रम दिया है, कल शाम को लोग शराब पीकर, उसका पिता है राम प्रसाद यादव और राम प्रसाद साक्य और जगदीश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।